दोस्तों यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। दोस्तों आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा विवाह रेखा। आज मैं आपको चार प्रकार की विवाह रेखा बताऊंगा। लड़का हो या लड़की, दोनों के हाथ में यह नियम जो मैं आज बताऊंगा समान रूप से लागू होंगे। आपका विवाह किसी व्यापारी घराने में होगा, बिजनेसमैन से होगा या सरकारी नौकरी वाला जीवन साथी आपको मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या तनाव से भरा हुआ रहेगा। आपका जीवन साथी आयु में आपसे कम होगा या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अविलंब विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी जातक के हाथ में कोई रेखा शुक्र क्षेत्र के अंदर से निकलकर निर्विघ्न बिना टूट फूट के बुध क्षेत्र तक कनिष्ठा उंगली के नीचे तक चली जाती है तो ऐसे जातक का संबंध व्यापारी घराने में होता है, जीवन साथी बिजनेसमैन मिलता है और यह रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेसमैन, उतना ही बड़ा व्यापारी घराना होगा। यदि किसी जातक के लड़का हो या लड़की, हाथ में से कोई रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलकर, स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं, तर्जनी उंगली बृहस्पति क्षेत्र तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी सरकारी नौकरी प्राप्त मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ज़्यादा धार्मिक, पूजा पाठ में विश्वास करने वाला साधक टाइप आदमी होता है। लेकिन प्रिय मित्रों, जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर शनि क्षेत्र तक मध्यमा उंगली तक चली जाए तो ऐसे जातक को जीवन साथी आयु में अपने से बड़ा मिलता है, 5-7 साल का कम से कम डिफरेंट होता है। और यदि कनिष्ठा उंगली के नीचे पहले पौरवे पर क्रॉस का निशान है तो ऐसे जातक का वर हो या कन्या जीवन बहुत ही सुखी रहता है, बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन रहता है, उसमें तनाव बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन यदि किसी जातक की विवाह रेखा पर कई सारी आड़ी रेखाएं हो और आखिर में विवाह रेखा दो मुखी हो जाएं, ये दोनों में से कोई एक लक्षण भी है तो वैवाहिक जीवन तनाव से भरा हुआ रहता है। ऐसे जातक के जीवन में कलेश मचा रहता है और यदि विवाह रेखा आखिर में दो मुखी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसको धोखा देता है, उसका इंटरेस्ट अन्य किसी व्यक्ति में स्वभावतः हो जाता है। यह बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। अगर ऐसा हो तो व्यक्ति को उपाय अवश्य करने या कराने चाहिए। विवाह रेखा जितनी गहरी स्पष्ट होगी उतना ही व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। शुक्र क्षेत्र पर, शुक्र क्षेत्र आपका जितना ज़्यादा उभरा हुआ होगा, स्पष्ट होगा, उतना वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। और शुक्र क्षेत्र पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं होने पर, क्रॉस के निशान होने पर, भाग्य रेखा टूटी हुई होने पर, भाग्य रेखा पर क्रॉस के निशान होने पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बेहद तनाव से भरा हुआ रहता है। दोस्तों कुछ सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन जो सूत्र आज की वीडियो में मैंने आपको बताए एकदम फैक्ट हैं। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ निकट भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।